आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा बासी के तार आतंकवाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस उसकी मदद करने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के हाथ मुर्तजा के 2 साथी भी लगे हैं। इसी के साथ यूपी एटीएस की टीम जांच के आधार पर मुंबई के लिए रवाना हुई और यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंची है। बता दें कि मुंबई में आरोपी मुर्तजा अब्बासी का परिवार रहता है। हालांकि मुर्तजा पिछले 3 साल से अपने परिवार वालों से नहीं मिला था। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से यह हमला हुआ है और अब लगातार जांच की मांग उठ रही है, तो हिमांशु और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ आपके पास? को आपको बता दें कि 7 दिन की पुलिस अधीक्षा में रखा गया है। इससे उससे पुलिस पूछताछ करेगी, एटीएस है तभी उससे पूछताछ करेंगे, अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। ऐसे में बता दें कि कुछ ना कुछ इसमें सामने आएगा, बड़े खुलासे होने वाले हैं 7 दिनों के अंदर। और ऐसे में बता दें कि उसकी कॉल डिटेल को खंगाला गया है, लैपटॉप को चेक किया गया है, जिसमें हम आपको बता दें कि कॉल डिटेल के आधार से ये पता चला है कि उसके तार कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़े हुए थे। और इससे एटीएस कार्रवाई भी कर रही है और जांच कर रही है, जांच को काफी गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ा रही है। हालांकि इसके साथ साथ उसके महाराजगंज और देवरिया इत्यादि में भी जो है कॉल डिटेल की लोकेशन रही है, वहां से उसके तार जुड़ रहे हैं। मुर्तजा को लेकर के यूपी एटीएस एकदम स्वस्थ हो चुकी है और अपने कह सकते हैं कि कार्रवाई को तेज कर रही है, जांच को तेज कर दी है। जी हिमांशु, जो अहम अपराधी बताया जा रहा है अहमद मुर्तजा अब्बासी, उसके तार किस तरह से आतंकवाद से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी आपको बता दें कि सबसे पहली बात है कि उसके लैपटॉप जो उसके साथ बरामद हुआ था, उसमें जो है आईएस के काफी वीडियोस थे और इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर का पूरा पूरा मैप था, पूरा नक्शा था। इसके अलावा जो है वो उसका एक साथी फरार है, इसमें इसलिए इस तक लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो है जुड़ सकते हैं आईएस के और आतंकवादी गतिविधियों में, वो कहीं ना कहीं लिप्त हो सकता है। जी हिमांशु, काफी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है गोरखनाथ मंदिर और वहां पे आतंकवादी हमला होना किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऐसे कई जगह है, इस वक्त नवरात्र भी चल रहा है तो काफी मंदिर है जहां पे पूजा अर्चना के दौरान भीड़ भी देखने को मिलती है। गोरखनाथ मंदिर को ही निशाना क्यों बनाया गया, आखिर क्या वजह निकल के सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, गोरखनाथ मंदिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया का घर है, निवास स्थान है और अक्सर उनका भ्रमण वहां होता रहता है, दौरा होता रहता है, योगी आदित्यनाथ आते रहते हैं। ऐसे में किसी भी आतंकवादी संगठन को या किसी भी आतंकवादी को सबसे पहले निशाना बनाने के लिए ये मत है और ये सबसे प्रमुखता के साथ है कि वो इससे निशाना लगाएंगे तो यूपी सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। जी, जिस तरह से हमला किया गया है, अब लगातार छापेमारी कर रही है पुलिस, तेज कर दी अपनी कार्रवाई, तो वहीं परिवार तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है पुलिस, तो परिवार का क्या रोल रहने वाला है इस छानबीन के दौरान? देखिए, परिवार से बात किया जा रहा है, उनके परिजनों से, उनके पिता से, उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबसे पूछताछ किया जाए। यहाँ तक कि मुर्तजा तलाकशुदा था तो उसकी पहली पत्नी से भी बातचीत कर रही है और बातचीत करने के लिए एटीएस की टीम गाजीपुर पहुंच चुकी है। वहाँ उससे भी बात की जा रही है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि उसका क्या आचरण था, किस तरह के उसकी विचारधाराएं थी। और इसके अलावा उसकी शादी अभी होने वाली थी जो जौनपुर की नई रिश्ता जहां जुड़ना था, उनसे और उनके रिश्तेदारों से भी नए रिश्ते में भी एटीएस जो है निगाह बनाई हुई है, उनसे भी जानकारी रख रही है कि किस तरह से इसका रिश्ता जुड़ा है और किस तरीके से क्या जानती है युवती जो बात करती है अगर सगाई के बाद। जी, ये हमला एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, काफी लोग इस पे जांच की मांग कर रहे हैं, काफी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। इसी के चलते अब यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए मुंबई रवाना हुई है, तो मुंबई पुलिस किस तरह से मदद करेगी यूपी एटीएस की? मुंबई एटीएस और एसटीएफ दोनों की टीमें रवाना हो चुकी है और वहां पे मुंबई पुलिस के साथ जो कि प्रोटोकॉल होता है, वहां जाकर के इनको जीडी में आमद करना होता है, अधिकारियों को बताना होता है कि यूपी सरकार का कुछ मामला है, योगी आदित्यनाथ खुद इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, पूरी तरह से इसको अपने काबू में किए हुए, पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहां जाकर के जितने उसके मित्र हैं, जहां डीएवी कॉलेज से वो पढ़ा हुआ था नवी मुंबई में, वहां पे भी जाकर के पूछताछ
करेगी और जितने भी उसके संपर्की थे वहाँ उनसे बात करेगी और कुछ ना कुछ बहुत अच्छे खुलासे होने हैं, बड़े खुलासे होने वाले हैं इन 7 दिनों के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ है उसके बाद अब काफी ज्यादा तेजी से मांग हो रही है कि जांच करी जाए और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री आज शाम लोक भवन में बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। मीटिंग में प्रदेश के लिए 100 दिनों के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से विभागों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि गोरखपुर से लौटने के बाद शाम समीक्षा बैठक शुरू होगी। लोक भवन में शाम 6 बजे से सीएम योगी के सामने विभागों के सीनियर अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही सीएम योगी पहले 100 दिनों का प्लान देखने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो काफी अहम रहेगी ये बैठक, क्योंकि बहुत ही सक्रियता से हर काम किया जा रहा है। हर एक विभाग के लिए काफी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है मंत्रियों को, और मंत्रियों के साथ बैठक कर 100 दिन का जो रोडमैप है उसे तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस बार हर एक विभाग की कमान अपने हाथ में ले ली है और 100 दिन का रोडमैप तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आज अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से 100 दिन का ब्यौरा मांगा गया है, वर्क रिपोर्ट मांगी गई है सभी की, तो उससे सीधे तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ को हर एक विभाग की पूरी पूरी जानकारी होगी और बड़े मंत्रियों से लेकर उनके अधीनस्थों तक पूरी पकड़ होगी। एक एक व्यक्ति के काम पर निगाह रखी जाएगी। तो अब जैसे पहले हुआ करता था कि सरकारी महकमे में ढील देखने को मिलती थी, लोग काम नहीं करते थे सही से, जनता की सुनवाई नहीं होती थी, लापरवाहियां देखने को मिलती थी, तो कहीं ना कहीं अब उसमें सुधार होने वाला है। तो लोक भवन में सीएम की बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से सभी को उनके विभागों का बंटवारा हो गया है और अब सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर सभी नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनता की सुनवाई हो रही है और पारदर्शिता के साथ जिस तरह से काम कराने के आदेश दिए गए हैं, किसी भी जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका सख्त निर्देश दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल संभालते ही। तो वहीं अब ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। लोक भवन में 6 बजे बड़ी बैठक होगी। गोरखपुर से लौटने के बाद इस बैठक को बुलाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जनता को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा सके और 100 दिनों के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। तो दूसरा कार्यकाल संभालते ही 100 दिनों का जो ब्यौरा मांगा गया है कि आप 100 दिन में कितना अच्छा काम करके दे सकते हैं, जब 100 दिन सख्ती से काम होगा, बहुत तेजी से काम होगा, तो आने वाले 5 सालों तक भी अगर इसी तरह से काम होता है, हर एक चीज पे नजर रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में बदलाव देखने को मिलेगा। वो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या फिर कानून व्यवस्था हो, हर चीज में बदलाव देखने को मिलेगा। तो काफी अहम माना जा रहा है आज का जो ये मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, कि इसमें हर एक मंत्री शामिल होंगे। सख्ती से सभी को इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तो बैठक करने वाले सभी पहुंचेंगे आज शाम 6 बजे लोक भवन। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अहम बैठक बुलाई गई है, 100 दिन के लिए जो रोडमैप है उस पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? जी शिखा, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार बनने के बाद जब दूसरी बार सत्ता में आसीन होते हैं तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 100 दिनों के अंदर में सभी मंत्री और संबंधित अधिकारियों को विकास का एक खाका तैयार करके देना होगा। उसी कड़ी में आज लोक भवन के अंदर में जो तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, साथ ही साथ जो सीनियर अफसर हैं, उनके साथ एक बैठक रखी गई है और ये 100 दिन के जो लक्ष्य तय किया गया है सरकार की तरफ से कि 100 दिन में हम विकास करके दिखाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो रोजगार के क्षेत्र में 100 दिनों में 10,000 नियुक्तियों की बात कही गई है। ऐसे तमाम विभागों की तरफ से कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं, उसके रोड मैप को लेकर आज लोक भवन के अंदर में सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम उनके डिप्टी सीएम और जो कैबिनेट के मंत्रिमंडल है, वो पूरी मंत्रिमंडल मौजूद होगी, साथ ही साथ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होंगे। और इस बैठक में जो सीनियर ऑडिटर है, चाहे बात की जाए तो
जो प्रमुख सचिव है उनकी भी आज बैठक में सम्मिलित होने की खबर है। जी जी विभांशु, कई बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल होंगे, जितने भी कैबिनेट के मंत्री सब इसमें शामिल होंगे। तो जो ये 100 दिन का ब्यौरा मांगा गया है, 100 दिन सख्ती से एकदम पारदर्शिता के साथ काम करने की जो बात कही गई है सीएम के द्वारा, तो क्या ये 100 दिन आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि आने वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में है वो 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकती हैं कि जो वोटर है वो पूरी तरह से इस बार जो एमएलसी चुनाव में वो ग्राम प्रधान है, साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वहीं अगर बात की जाए तो सभासद हैं, तो इन सभी को साधने की भी तैयारी है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र से चुन के जो प्रतिनिधि आते हैं इनको साधने की तैयारी है। वहीं आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है, इन सब चीजों को देखते हुए साथ ही साथ 100 दिन का जो लक्ष्य तय किया गया है कि 100 दिन के अंदर कुछ बदलाव करके दिखा देंगे, तो इसी कड़ी में आज की बैठक है। वहीं अगर बात करें तो जनता 100 दिनों से काफी आशा अपेक्षा लगा के बैठी है। अगर बात की जाए तो युवाओं की, तो 10,000 नौकरी आने के बाद जो योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि 100 दिनों में हम 10,000 रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, साथ ही साथ स्वरोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे, उसी कड़ी में युवाओं में कहीं ना कहीं उत्साह है और उनकी तरफ से आशा अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि हमारी नियुक्तियां हो जाए। जी शिखा, विभांशु जिस तरह से इस बार चुनाव में प्रदर्शन इस बार कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है बीजेपी का, क्योंकि पिछले चुनावों से इस बार सीटें कुछ कम हुई हैं और विपक्ष काफी मजबूत हुआ है, तो क्या जो कमियां नेताओं की वजह से देखने को मिली, लोगों में आक्रोश था, नाराजगी थी नेताओं के प्रति, तो उन सब चीजों में सुधार के लिए खुद सीएम योगी अपने हाथ में सभी कमान लेना चाहते हैं, पूरी नजर रखना चाहते हैं हर एक विभाग पे, क्या यही वजह है जो मंत्रियों को इतने सख्त लहजे में निर्देश दिए गए हैं और 100 दिन का ब्यौरा मांगा गया है? जी अगर बात करें तो पिछली सरकार में जो विपक्ष था वो रोजगार को लेकर, छुट्टा जानवरों को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे सवाल खड़ा करते रहा है। उसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें शांत करने के तौर पे और उन्हें दिखाने के तौर पे और जनता को जो किए गए वादे हैं उसके मुताबिक 100 दिन के अंदर कुछ विकास के रोड मैप की तैयारी की जा रही है, और इस तैयारी में आने वाले 100 दिनों के बाद ये पता चल पाएगा कि कितना इसमें जो मंत्री हैं और सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो कारगर साबित हो पाए हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि जो छुट्टा जानवरों की समस्या थी उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार जो पक्ष सरकार है, यस लॉबी है, वो पूरी तरह से उनके व्यवस्थाओं के लिए लगी हुई है और 100 दिन के अंदर उसके भी समाधान की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो मंत्री है उनसे अधिकारियों की जिलेवार तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से इस तमाम जो सवाल खड़े किए गए उस पे कैसे काम किया जा सके। मगर अगर सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए शिखा, तो महंगाई कहीं ना कहीं जो आम जनता है उससे कहीं ना कहीं त्रस्त है और सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल और तमाम जो वस्तु है, चाहे सब्जियों की बात की जाए, चाहे खाद्य पदार्थ की खासकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसमें उछाल आया है, तो इसमें भी आशा अपेक्षा लगाई गई है कि कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए जाए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे ये महंगाई पे लगाम लग सके। बिल्कुल विभांशु, महंगाई की मार तो जनता झेल ही रही है, लेकिन हर एक विभाग पे जिस तरह से सीएम योगी की नजर है तो उसको देखते हुए मंत्रियों के द्वारा कितनी सक्रियता देखने को मिल रही है? जी शिखा, आपको बता दें कि सभी मंत्रियों की तरफ से जो विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। वही आपको बता दें कि आज धर्मवीर प्रजापति जो कि होमगार्ड एवं कारागार मंत्री हैं, उनकी तरफ से समीक्षा बैठक की गई थी। उस बैठक में साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश किए गए कि जो भी विभाग से संबंधित दिक्कतें हैं उसका एक उन्हें उनसे रूबरू कराए, जिसपे काम किया जा सके। इसी कड़ी में जो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी दिया गया है, वो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आने वाले जो 100 दिन हैं उसमें जनता काफी अपेक्षा लगा बैठी है। और जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि 100 दिन के अंदर कुछ ऐसा कर दिखाए। वहीं आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जो कि अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां की हालत देख रहे हैं, वहीं समय एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिविल अस्पताल लखनऊ में व्हीलचेयर से आदमी व्हीलचेयर नहीं पा पा रहा है, जिसके बाद एक फोटो वायरल होती है, उसके बाद बृजेश पाठक जाते हैं। उसी कड़ी में आज वो केजीएमयू जा रहे हैं, केजीएमयू का हाल चाल जान रहे हैं, वहां की समस्याओं को जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी मंत्री और
मंत्रिमंडल के सदस्य पूरी तरह से सक्रिय हैं और खाका तैयार करने में लगे हुए हैं और 100 दिन में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सभी मंत्री अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विभाजी और जानकारी के लिए। तो बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और जिस तरह से निर्देश दिया गया है कि सभी विभागों में अच्छे से काम हो और कहीं पे भी कोई कमी ना देखने को मिले, इसके चलते सभी मंत्री भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में फिर 100 दिनों के लिए जो रोडमैप तैयार किया गया है उस पर चर्चा की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम के इस जनता दरबार में दूर दूर से आए लोगों की समस्याएं सुनी गई। इसी के साथ फरियादों की समस्याओं को भी जल्द से जल्द निपटाने के लिए निर्देश भी दिए गए। तो सीएम योगी ने एक बार फिर अपना कार्यकाल संभालते ही जनता दरबार लगाना, जनता की समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया है और सीएम सक्रिय खुद भी नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने 100 दिन का ब्यौरा मांगा है उनसे मंत्रियों के लिए। 100 दिन में अच्छा काम करने की बात कही है, रोडमैप तैयार किया जा रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं मंत्रियों के संपर्क में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं खुद भी 100 दिन में एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं प्रदेश में, जिसके लिए वो लगातार काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने जनता दरबार लगाया और जनता दरबार लगा के जनता की समस्या से रूबरू भी हुए और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जनता की समस्याएं सुनी जाए, फरियादियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो जनता की सुविधा के लिए और समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और इस खबर में हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया तो वहां पे कितनी जनता मौजूद रही, कितने फरियादी देखने को मिले? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आने के बाद अपनी दिनचर्या के हिसाब से प्रातः काल उठे हैं और उसके बाद गायों को गुड़ और चना खिलाया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ मंदिर भ्रमण किए हैं, पूजा अर्चना की है और फिर जनता दरबार उन्होंने लगाया और ऐसे में सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हुए अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। सबसे अधिक बात अच्छी बात और दिलचस्प बात ये रही कि ऐसे में कई ऐसे गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति थे जो वहां पे आए हुए थे। कोई अपने बच्चे के लिए आया था, कोई अपने लिए आया था, कोई अपने पिता के लिए, किसी अपनी बहन के लिए, जो उनको चिकित्सा सुविधा मिल जाए, उनकी मदद मिले। ऐसे में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने डीएम को आदेश दिया है और उनको आश्वासन दिया है तो उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी जाएगी, एम्स में उनका इलाज कराया जाएगा और इसके लिए सीधी धनराशि आवंटित होती है, जो मुख्यमंत्री कोष से लगती है, जिलाधिकारी कोष से लगती है, सांसद विधायक के कोष से लगती है, वो भी उनको आवंटित कराई जाएगी। जी हिमांशु, ये जानना चाहेंगे कि जनता तक जनता दरबार की खबर कैसे पहुंचती है कि आज सीएम ने जनता दरबार बुलाया है और वहां पे पहुंच के फरियादी अपनी परेशानियां बता सकते हैं? जी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं, गोरखनाथ मत में रहते हैं, तो या वो सांसद थे तभी वो यही काम करते थे कि डेली उनकी जो दिनचर्या थी, रोज का रूटीन था, वो यही था और उसके बाद वो जनता दरबार लगाया करते थे। ऐसे में गोरखपुर आने के बाद भी वो जनता दरबार लगाते हैं और उनके आते ही जिस दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं ये पता चलता है तो प्रातःकाल उठकर सभी लोग दूर दूर से आ जाते हैं कि आज जनता दरबार लगेगा और उनकी समस्याओं का निवारण होगा। ऐसे में अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया जाता है कि आप इनकी समस्या का निस्तारण करें और उनका एप्लीकेशन। ऐसे में एडीजी और डीएम वहां पे हमेशा मौजूद रहते हैं, एसएसपी मौजूद रहते हैं जिले के, जिनको बताया जाता है कि आप इनकी समस्या का निवारण करें। जी कौन कौन सी समस्याओं को, यानी कि किस किस तरह की समस्याओं को दूर कर चुके हैं अभी तक, फरियादियों की समस्या सुनते हैं उसके बाद उसको समाधान भी करते हैं, कई बड़े अधिकारियों को आदेश भी देते हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, सीएम ने खुद कौन कौन सी समस्या का निस्तारण किया है अभी तक जनता की? बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार लगाते हैं तो ऐसी बहुत सारे पिछले कार्यकाल की बात किया जाए, तब भी योगी आदित्यनाथ के पास जमीन से जुड़े हुए काफी मुद्दे आए हुए थे और उसके बाद मुकदमा न लिखने की शिकायत लेके लोग आते थे और दबंगों के लेके आते थे कि दबंगई कर रहे हैं, हम पे जबरन हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और अनैतिक रूप से हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और अन्य कई ऐसे मुकदमे हुआ करते थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई शिकायतें कम हो गई है, काफी हद तक कम हो गई है और क्योंकि सबसे अधिक इस बार शिकायत जो मिली है वो स्वास्थ्य को लेकर मिली है, चिकित्सा सुविधा के लिए मिली है कि उनको मदद की जाए, उनके पास इतनी धनराशि नहीं है कि वो अपने इलाज करा सके, ऐसे में उनको चिकित्सा सुविधा के लिए धनराशि आवंटित की जाए और उनको चिकित्सा सुविधा दिलाई जाए, जिसके लिए जिला अधिकारी को स्पष्ट निर्देश योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। जनता दूर दूर से पहुंची सीएम योगी आदित्यनाथ के पास अपनी फरियाद लेके, जिसके बाद सीएम ने उनकी फरियाद सुनी और निर्देश दिए, साथ ही जल्द से जल्द उनकी परेशानियों को दूर करने की बात भी कही। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। 15 दिन के अंदर अब तक 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। तेल कंपनियों की तरफ से इन दोनों के दामों को बढ़ाया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़े दाम के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो दोनों के दाम में ही लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल के दाम शतक को छू चुके हैं, शतक के पार हो चुके हैं। 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है पेट्रोल, तो वहीं डीजल की बात करें तो वो भी शतक से दूर नहीं है, 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पे डीजल बिक रहा है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सिर्फ 24 मार्च और 1 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, और लगातार 15 दिन से 13 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जनता की जेब पे सीधा असर पड़ रहा है, किस तरह से जनता परेशान नजर आ रही है? जी शिखा, आपको बता दें कि 15 दिनों में लगभग 13 बार 9 रुपए 40 पैसे 13 दिनों में लगभग रेट बढ़ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये इजाफा 15 दिनों से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे, जहां आप देख सकती हैं कि डीजल का रेट है वो 96 रुपए 1 पैसा है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 104 रुपए 43 पैसा है। वहीं अगर प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए तो वो लगभग 108 रुपए है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल कंपनियां जो लगभग 132 दिन तक रेट नहीं बढ़ाई है, वो काफी घाटे में चली गई थी, तो जब तक उनका घाटे से वो बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक वो रेट बढ़ाते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे की भारी मतलब जो है वो बढ़त जारी है। और इसी क्रम में हमारे साथ कुछ यहाँ उपभोक्ता भी है जो पेट्रोल डीजल भराने आए हैं, उनसे बात भी करने की हम कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक क्या पेट्रोल और डीजल पे वो क्या सोचते हैं बढ़ने पे, साथ ही साथ उनके जेबों पे क्या असर आ रहा है। वही आपको बता दें कि साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन में दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, युद्ध संघर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया भी भारत को कुछ परसेंट पेट्रोल देता है, ईंधन देता है, तो इसका भी असर है। इसी क्रम में हमारे साथ एक भाई साहब, अपना नाम बता दें। मेरा नाम पुनीत है। अच्छा, बढ़ते पेट्रोल और डीजलों के दाम पे क्या कहेंगे? लगभग 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल 80 पैसे हर दिन बढ़ रहा है, क्या बताएं? अब इसके लिए जिसके लिए वोट दिया गया था सरकार को, अब वोटिंग के बाद में फिर उसने अपना कमाल दिखा दिया है। भाई साहब, क्या आशा अपेक्षा रखते हैं आगे? अपेक्षा ये है, महंगाई बढ़ रही है दिन रात, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम लोगों की जेब खस्ता हालत होती जा रही है, सैलरी है नहीं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम तो है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इसको, नहीं तो आने वाले टाइम पे जो है उसका ट्रस्ट लेवल डाउन हो जाएगा। जी, इसी क्रम में हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, अपने नाम बताते हैं। सुबोध नाम है। अच्छा, ये बताएं, पर 15 दिनों में लगभग 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जा रहे हैं, हर सुबह 80 पैसे की एक मैसेज आती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या है, ये व्यवस्था देखिए है, केंद्र का है मामला, और चूंकि सब दिल्ली से होता है, इसमें कोई राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती, जितना माफ कर सकती है उतना कर दिया उसने बीच बीच में। अब ये मामला एक्चुअली कोई कह रहा है कि कहीं युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी हर जगह है, यही नहीं है, इंडिया ही में नहीं है, अभी बीच में श्रीलंका में 180 के आसपास गया था। श्रीलंका की बात अलग है, भारत की बात अलग है। वहीं अगर बात की जाए तो ना, ये भी डिपेंड करता है, लोग जितना गाड़ी यूज करेंगे उतना पेट्रोल यूज होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑप्शन है, जिसको लेना है ले रहा है, आदमी यूज कर रहा आएगा धीरे धीरे। जेब पे कैसा असर आ रहा है? जेब पे का 5 रुपए ज्यादा पड़ रहा है, और क्या है भाई, रूटीन का ऑप्शन है, हमें तो रोज डलाना है 150 का, उसमें क्या 1-2 रुपए का फर्क है, और कोई खास नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं हैं भाई, जब लोगों को गेहूं चावल का फ्री मिल रहा है, कहाँ से आएगा, हम ही लोगों की जेब से जाएगा ना, तो 1-2 रुपए उन लोगों के लिए ये आदमी सोच लेता है, आम आदमी 1-2 रुपए जो गरीबों के लिए तेल मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोगों की जेब से ही कटता है। मतलब आपके मुताबिक ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर गरीबों में बांटा जा? देखिए, राजस्व तो इकट्ठा हो ही रहा है ना, तो कहीं ना कहीं गरीबों
सबको जो फायदा मिल रहा है, हम लोगों को भी राशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हमें ना मिल रहा, हमें भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन। तो थोड़ा बहुत है, आदमी झेल जाएगा, कोई बड़ी आपदा नहीं है कि मर रहा है, ये थोड़ा बहुत असर रहता है 2-4-5 रुपए का, कोई उससे बड़ा इशू नहीं मनाना चाहिए। गरीबों के लिए जो महीने में जो राशन मिल रहा है ना, कई गरीबों के घर चल रहे हैं, ये लोगों को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं भाई, इंसानियत तो। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के समय वेट नहीं बढ़ा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आजकल, लोगों के पास लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये सब जो चलता था ना, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष होता तो रोड पे रहता ना, कहाँ दिख रहा है कोई पिछले 5 साल में दिखा। एक सवाल इससे और करिए कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गरीबों पे जो टैक्स जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन इसका असर बाकी चीजों पे भी बढ़ रहा है, सब्जी से लेके हर चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, तो क्या वो मार्जिन पाएगी जनता? आपसे है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके मुताबिक उससे राजस्व आ रहा है और मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तो एक सवाल और है कि क्या इस पेट्रोल और डीजल के दामों बढ़ने से मालवाहक गाड़ी और सीएनजी के बढ़े हैं, तो ऑटो रिक्शा के किरायों में जो बढ़ाव है उस पर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल वृद्धि होनी चाहिए किराया, देखिए चूंकि सब सब्जियां भी महंगी हो रही है, सब्जियां भी महंगी, हर चीज महंगी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट थोड़ा रहता है जेब पे, और लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना कर रहे हैं भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल ना डला रहा है, रोज पेट्रोल भरा रहा है, चाहे 105 हो जाए, अभी बीच में 105 भी हुआ तब भी लोगों ने भराया, अभी 100 है तब भी भरा रहे हैं। अपेक्षा क्या रखेंगे सरकार? चाहे सरकार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा देनी चाहिए, ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, उसका यूज हो, जगह जगह जल्दी से इलेक्ट्रिक चार्जिंग पंप बने, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बने, ताकि लोगों को सुविधाएं, मतलब आपके मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसी क्रम में कुछ और लोग हमारे साथ हैं, एक युवा है, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब आप अपना नाम बता दें। अमार आलम। अच्छा ये बताएं कि लगभग 15 दिनों में 13 बार 80 पैसे पेट्रोल बढ़ रहे हैं, डीजल बढ़ रहे हैं और लगभग 9.40 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो यही कहूंगा कि जो रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं काफी, मतलब ये अनअप्रिशिएटेड है, ठीक नहीं हुआ है, और डे बाय डे इसके रेट काफी हाइक पे चल रहे हैं, तो इसका तो यही कह सकते हैं महंगाई डे बाय डे बढ़ रही है और इसको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाए। देश पे कैसा असर आ रहा था? देश पे बहुत ऑब्वियस बात है, देश की अगर बात करें तो बहुत पहले ही देश में असर आ चुका था, वो तो अभी कहने की बात है, तो अभी तो बस एक पेट्रोल के नाम पे चीजें रेट वगैरह बढ़ रहे हैं चीजों के। अच्छा वही अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से तमाम ऐसे संसाधन है जैसे मालवाहक गाड़ियां हैं और तमाम चीजें हैं और खेतों में किसान इससे पंप सेट चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए कहा तो जाता है देश का किसान अपना किसान होता है, उसके साथ अगर वो ना किया है तो बहुत कहीं ना कहीं अन्याय होता है, खुद में होता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं महंगाई हो रही है, पेट्रोल के दाम हो रहे, जैसे कि अपना ट्रैक्टर वगैरह आप जो बता रहे हो चला नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं उसको लॉस होगा, जिसके जो खेत वगैरह कुछ हो नहीं पाएंगे, जिससे भारत के मारे डीजल ना महंगा हो जाएगा, उसके ट्रैक्टर वगैरह चल नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं भुखमरी की चीज इंसान वो सफर करेगा। उसी का आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं किसान जो डीजल को अपने खेतों में पंप सेट चलाने के लिए और ट्रैक्टरों में डालकर खेत की जुताई में उपयोग करते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो लागत है वो बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे, तो हमने जनता की प्रतिक्रिया भी देखी, जहां कुछ लोग इस महंगाई को जायज ठहरा रहे हैं तो कुछ सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर सभी पर पड़ रहा है, वो चाहे किसान हो या फिर आम जनता हो। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त ये दाम रुके, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।